राइट नाउ दिस इज ट्रैम 28 राउट, और ये जो है बहुत फेमस राउट है, तो ये आप लोग देखिए, ये कीजिए। गाइस ये जो है अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्राम 28 का राउट है, और इस पे दोनों तरफ ना ओल्ड पोर्चुगल्स की बिल्डिंग्स हैं जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। आप यहाँ पे अपने पैदल पैदल चल के भी घूम सकते हैं। हाँ, आप अपने वो पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके गोडे सलामत है और हंधे सलामत है। हाँ, अगर तुम्हारे पैर सही सलामत है तो घूम ही सकते हो। हाइक है, काफी हाइक है नीचे की तरफ। वैसे तो सजेशन यही दिया जाता है कि आप पहले ऊपर टॉप पे चले जाओ, वो पकड़ के कोई अपने ऊबर ले लो या ट्रैम्प ले लो तो उसके थ्रू, और फिर वापस वॉक करके आ जाओ, वो बेटर है। सो मैं आपको ये चर्च दिखाने के लिए लाई हूँ, जो कि कितना टाइम मैं भूल जाती हूँ, 1755 में आया था ना अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक में 1755 में जैसे कि लिस्बन सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ये चर्च भी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसकी एक रिमेम्बरेंस के लिए उन्होंने इसको बनाया नहीं वापस। वो क्या कहते हैं, इसकी छतें जो है ना उन्होंने रिकवर नहीं करी है। तो लेट मी शो अराउंड एंड शो यू। पकड़ना बाबू, सो आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी छत जो है ना निकली हुई है। तो ये उस टाइम के अर्थक्वेक में, दैट टाइम व्हेन द अर्थक्वेक केम इन 1755, लिस्बन वाज डिस्ट्रॉयड एंड द रूफ वाज आल्सो गॉन, बट दे डिड नॉट मेक इट अगेन, just to have a remembrance what happened. They still use this thing for some type of concert because it has an open space. So aap dekh sakte hain, so jo ye hai na, ye 16th century ka hai. Aur ek aur cheez dikhao main aapko, this ye coin jo hai 14th century का है। I lost it. I do not know where I. Do you have an extra? 50 cents. Okay. From where? Outside the ticket office. Oh. I can't stay here without the mask. Okay. I'm going. Time के टाइम के बर्तन वगैरह हैं। 1952 में खुदाई के दौरान निकले होंगे ना। Look at this, huge. So ये मम्मीज हैं यहाँ पे, लिस्बन इट्सेल्फ में ही बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। एक दिन में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर आप कभी यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं तो 2-3 दिन जरूर निकालिए, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने फेमस पॉइंट्स हैं, और इट्सेल्फ वॉकिंग करने के लिए मजा है। लेट मी शो यू द नैरोएस्ट लाइक अ स्ट्रीट ऑफ लिस्बन। दिस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द लिस्बन, यू कैन सी।
मुझे रिमाइंड करता है कि अपने घर की, बट मेरा घर की जो गली है वो इससे तो खैर थोड़ी बड़ी है, बट इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. सो दैट्स ऑल आई वांट टू शो, ओनली वन पर्सन कैन कम. बट हाँ, सदर की गलियां भी ऐसी ही हैं. कम ऑन, आई विल गो डाउन. सो यू कैन सी ही इज कमिंग, ओनली वन पर्सन कैन वॉक. आई कैन गो इन टू द मिडल एंड देन ही कैन जस्ट द अदर साइड, ही कैन जस्ट टर्न अराउंड. That's the way. Yes. So let me go down now. तो ये लिस्बन का सबसे मेन व्यू पॉइंट है, पूरी सिटी दिखाई देती है यहाँ से. देखो कितनी खूबसूरत लग रही है. जो बिल्डिंग्स होती हैं कई बार नीचे से इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे कि आप ऊपर से देखो रहे हैं टुगेदर, जो सारी इकट्ठी जुड़ी हुई होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है. ऊपर से जो इनकी छतें हैं ये ऑरेंज से कलर की, ऑरेंज और रेडिश रस्ट कलर में जो है बहुत खूबसूरत लग रही है. अरे गया कहाँ, भाग गई. सो ऐसा है कि संजू तो चला गया है और मैं यहाँ पे खुद वॉक करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी. तो यहाँ पे जो फेमस है ना, एक दो स्क्वायर्स है, एक यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अभी उतरी हूँ, एक नीचे की तरफ है, नाम मत पूछना यार. और एक बस मुझे तो सिटीज स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करनी है. तो लेट मी शो यू अराउंड. हाँ, और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ मजेदार चीजें. आप लोग रेडी हो मेरे साथ? बाल बाल खोल लूँ ना. हाँ, तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ? मैं तो बहुत ही खुश हूँ. मैंने संजू को बोला था यार आजा, बट ही जस्ट वाज टायर्ड एंड ही वांट टू गो. सो दैट्स ओके. सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, यू नो, यू लर्न अ लॉट बाय योरसेल्फ, यू मीन, व्हेन यू ट्रैवल अलोन. दिस इज द फर्स्ट टाइम. आई एम ऑलवेज विद माई सिस्टर्स और माई हस्बैंड और विद माई किड, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट बीन अलोन इन लिस्बन एरिया. बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड देन गोइंग टू टेक अ ऊबर और वॉक अराउंड. So let me show you. मैंने ना अपने कान का लगा लिया है क्योंकि ना बहुत शोर है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कभी मेरी वॉइस जो है ना सन से रिकॉर्ड ना हो. ये देखिए कि हाय ओला. यहाँ पे देखो दारू की बोतलें और खूब सारी पेस्ट्रीज. ओके, दिस इज माई काइंड ऑफ way to explore the things. I like to be on the foot and explore. I hope aap logo ko pasand aaye. I don't know cashew nuts kis kis ko pasand hai. Europe mein na cashew nuts bhi bahut milte hain. Wow, wow, this is one of the places that they talked about it in the, when I was looking in the YouTube na, they talked about it that you can take the elevator and then go upstairs and then take a view. I don't want to do that, it's too much of traffic up there aur mere paas time nahi hai. So aap dekhiye yahan pe. I just want to go and show you the square, then I will go back and show you the other square also. मोस्टली यहाँ पे खाने की चीजें हैं, आइसक्रीम्स हैं, बार्स हैं, कॉफीज हैं. ये देखिए सनग्लासेस. ओह क्यूट है. मजा आ रहा है ना. ओह वाओ, लुक एट दैट रेस्टोरेंट. You see that? I'm sorry, a lot of people are coming here and there. So, but chalta hai na yaar. Maza aana chahiye bas.
सो लिस्बन अगर देखना हो ना तो 2-3 दिन जरूर निकालिए, बहुत कुछ देख पाएंगे, बहुत हैपनिंग प्लेस है, मजे की प्लेस है। सो आई थिंक आई विल गो फ्रॉम दिस साइड बिकॉज देयर आर लेस पीपल ऑन दैट साइड। देखिए नहीं, वो उनका डिजाइन है ना जो हम बात कर रहे थे अभी भी। A lot of places to shop around. Oh, Zara? That's an Indian brand. यहाँ पे बस लोग मस्ती कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पेंटिंग बना रहा है ये बंदा। हाँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं भी अपनी बनवाती है। तो अभी मैं वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ जो स्क्वायर था ना, कॉमर्स स्क्वायर, जस्ट अबाउट टू रीच दैट प्लेस। स्क्वायर है और अभी मैं सबसे पहले आपको इधर चल के दिखाऊंगी। और अमेजिंग पता क्या है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। आई वॉज लाइक वेरी मच अमेज्ड। और वैसे भी यूरोप का ब्रांड है ये, अमेरिका में नहीं मिलता है यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। मैं जब इंडिया में थी ना तो हम लोग यहाँ पे बहुत इसके कपड़े लेते थे, याद है मुझे। एंड इट हैज ब्यूटिफुल कलर्स एंड डिजाइन एंड एवरीथिंग, बट यूएसए में नहीं है ये। तो अभी रोड साइड पे मैं चल रही हूँ तो देखिए ये है बैग्स, ब्यूटीफुल। और आपको बताऊँ ये बैग पता कैसे है, मुझे लगा था लेदर के है, बट यहाँ पे जो मैं एक बार आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पे ट्री होता है ना, उसका ट्रंक जो होता है, उसका कॉर्क जो मटेरियल होता है, जो हमारा हम लोग उसमें डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, बियर में, उसके फैब्रिक से बना होता है। तो ये वो है कॉर्क का, ट्री का। एंड लेट मी आस्क, how much is this purses? This? Yeah. One ten euros, two fifty. Let me go around and check more. I will show you. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, कॉमर्स स्क्वायर है, जैसे सामने जाते हैं ये वाला एरिया जो पेडेस्ट्रियन का है, यहाँ पे कार वगैरह नहीं चलती है, तो देखिए यहाँ से ऐसे जाते हैं। और अभी मुझे पता नहीं है कि मैं आपको पर्सेस लूँ या ना लूँ, ग्रीडी तो बहुत हो गई हूँ लेने के लिए। जमीन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए ना कहीं भी तुम जाओ। तो देखिए ये बेनेटन स्ट्रीट है, और मोस्टली ऐसी स्ट्रीट्स ना आपको हर यूरोप में मिलेगी। और आप देख सकते हैं हमारे सिद्धार्थ जी जा रहे हैं और म्यूजिक चलाते हुए जा रहे हैं, सो इनका अपना मस्ती चलती है। देखिए यहाँ पे लोग अपनी कारस्थानी दिखा रहे हैं। Thank you.
तो ऐसा था कि बीच में ना मुझे लगा कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही है, पावर बैंक था लेकिन वायर घर भूल गई थी, तो अभी मैंने एक वायर चार्जर लिया है और तो अभी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मुझे था कि माय गॉश मैं घर कैसे वापस जाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरा एड्रेस था और सब कुछ था। तो बट यू नो कैन यू बिलीव इट, एक आईफोन की वायर का जो चार्जर वायर है जो केबल है वो कितने का है, 9 यूरोज, 9 यूरोज माई फ्रेंड, 9 यूरोज। तो मैंने एक स्कार्फ लिया है और मैं हमेशा लेती हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे लगा पर्स की जगह स्कार्फ ठीक है, और बट हाँ पर्स में मेरा अभी भी दिल अटका है तो शायद मैं वहीं पे वापस जाऊँ और एक पर्स फिर ले लूँ। ठीक है चलो मैं आपको दूसरा स्क्वायर भी दिखाऊंगी। ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चोरी रिपल का क्या कहते हैं उसको, जो रियल में नहीं होते। मैंने सोचा जरा इधर से ये चीज़ तो दिखाई दूँ, कितना प्यारा सा फाउंटेन है और वो देखिए, हाँ है ना खूबसूरत। अभी फाउंटेन में से पानी नहीं निकल रहा है तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। चलिए अब मैं कहीं बैठ के अपना एड्रेस डालूँ और देखूँ क्या किया जाए। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, आप लोग कभी भी लिस्बन आए तो हाई हील्स मत पहनिए, डोंट वेयर हाई हील्स, वेयर कंफर्टेबल शूज बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वॉकिंग। एंड ये जो आप देख रहे हैं केबल्स, ये जो बना हुआ है इसे, ये बड़ा स्लिपरी है, यू कांट वॉक। ओके सो आप लोग मेरे साथ हैं, हाँ वॉक करनी चाहिए या टुक टुक लेनी चाहिए बताइए, लेट मी नो। मैं सच्ची में ही वॉक करके जाना चाहती थी क्योंकि जितना तुम वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हो ना लिस्बन को उतना गाड़ी में नहीं कर सकते हो, बट हो नहीं पाया, बट मे बी आई विल कम बैक अगेन। और यू नो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दिखा सकती थी आपको, बट मे बी नेक्स्ट टाइम विल बी मोर प्रिपेयर्ड। और ऊबर में मेरे लगे हैं 5 यूरो, सो लेट्स गो। तो मैंने एक उबर किया है एंड आई वॉज सो वरीड अबाउट इट वेदर आई विल मेस अप अगेन बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेस अप, बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पोर्चुगल, बट वी वर एबल टू कम्युनिकेट इट एंड आई वॉज एबल टू शो हिम वेर आई वॉज स्टैंडिंग एंड आई एम गोइंग बैक होम बैक टू माई अपार्टमेंट विद माई विद उबर एंड आई होप आई पुट इट द राइट एड्रेस। लेट्स सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो मैं अभी दोबारा से निकली हूँ अपने अपार्टमेंट से, जस्ट वॉकिंग अराउंड सीइंग एक्सप्लोरिंग। हमारा थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है तो मैं दिखाती हूँ आसपास में क्या क्या है। ठीक है तो मैं अब दूसरी स्क्वायर के साथ हूँ, बस घूम के ऐसे चले जाओ, सम वॉकिंग डिस्टेंस। आप अपने से स्कूटर भी ले सकते हैं एंड देन एक्सप्लोर कर सकते हैं, टुक टुक ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और शॉप पे नजर पड़ी है, डिफरेंस देखती हूँ कितना है, जस्ट लाइक अ फ्ली मार्केट। लेट मी शो अप अराउंड। देखिए स्कूटर्स के लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस,
देखिए कैसे लोग चला रहे हैं स्कूटर। मैं फिर दोबारा से अपने उसी फेमस उस प्लेस पे आ गई हूँ। वाओ मोची, मोची की दुकान। सो हम तो घूम घाम के आ गए, खाना खा लिया और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे एयरबीएनबी का एरिया का जो नाइट टाइम में व्यू है, बहुत ही खूबसूरत चांद निकला है, तो दिखाना तो बनता है ना आप लोगों को। लेट मी शो यू। सो ये मेरा जहाँ हमने एयरबीएनबी लिया था उसके साइड का एरिया है और देखिए कितना खूबसूरत चांद निकला हुआ है। और यहाँ से ना सूरज भी उदय होता है, तो कोशिश करूंगी कल सुबह जल्दी उठने के लिए। यहाँ नीचे एक लोकार्ट का ट्री है जो अंधेरे में दिख नहीं रहा, पूरा लदा पड़ा है लोकार्ट से। और ये देखिए चंदा, प्यारा चंदा। लिस्बन जाने का टाइम हो गया है, कल हमारी सुबह की फ्लाइट है 2024 की और अब रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ और होप आगे ऐसे और ट्रैवल करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आई डो नॉट नो इफ आई शोड यू, व्हेन आई वाज वॉकिंग अराउंड आई डिड फाउंड सम फ्रूट्स एंड देन आई ब्रॉट इट एंड दे आर डिलीशियस टू ईट। सो दिस इज कॉल्ड पैशन फ्रूट एंड आई लव्ड इट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड इट एंड दे रिमाइंडेड मी ऑफ मैंगो एंड लिटिल बिट ऑफ जामुन जिसे कहते हैं, उसका टेस्ट था, बहुत ही स्वाद था। और यस लोकार्ट तो मेरे फेवरेट है, मेरे घर पे भी है और पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पर खट्टे हैं, इतने मीठे नहीं है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, रात के 10:30 बज चुके हैं। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आए मेरा वीडियो देख के और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग इट और प्लीज़ हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शबा खैर, मस्त रहिए, जिंदगी को इंजॉय किए हर दम तक और मजे में रहिए।